अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं MHD सलीम उस्ताद यानी दोस्तों मोहम्मद सलीम। हाँ दोस्तों, वही मेरा एक नारा शौक को बढ़ावा देने का, देता हूँ, देता रहूँगा ताजी दी। दोस्तों आज मैं हमारे विमल भाई हैं, विमल ढाबे वालों के नाम से मशहूर है और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। आज उनकी छत पर आया हूँ मैं और उनका शौक दिखाऊँगा मैं आज आपको। तो विमल भाई आइए ज़रा, ये हमारे विमल भाई हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बस उस्ताद जी, ये हमारे सलीम उस्ताद जी हैं, इनसे बड़े उस्ताद जी हमारे को तो अभी तक नहीं मिले कोई भी। बहुत अच्छा इंसान है ये, सब बड़े हैं और सब बड़े हैं। हमारी छत पर आए, हमारे लिए इतना ही बहुत है भाई। देखो मेरा एक ही मकसद है कि सब भाइयों का शौक दिखाऊं और एक दूसरे को जान सके कौन सा भाई कहाँ शौक करता है और कितना अच्छा शौक है। हम एक दूसरे के शौक की तारीफ करेंगे ना तो जब ही शौक को बढ़ावा है दोस्तों, बिल्कुल सही, वरना तो कोई बढ़ावा नहीं है। एक दूसरे की काट करते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल सही, एक दूसरे के अगर नीचे से हम सीढ़ी काटते रहेंगे ना तो सभी गिरने एक के पीछे एक। बिल्कुल सही, तो यही कोशिश है मेरी, हम सब भाइयों में प्यार कायम रहे और हम एक दूसरे के आते जाते रहे और एक दूसरे के शौक की कुछ ना कुछ हम बढ़ाई करेंगे ना तो एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे, जब भी हम आपस में भाईचारा बढ़ेगा। तो ये हमारे विमल भाई हैं। और विमल भाई कब से शौक कर रहे हो आप? सही, मेरे को हो गया करीब करीब 15 साल हो गए शौक के। 5 साल हमने पहले कावली बाजी की है, 10-12 साल से गोले बाजी कर रहे हैं। कावली भी दिखाऊंगा इनके, बहुत अच्छे कावली लगे मुझे। हमें तो खैर सही कबूतर बाजी की नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पाल लिए हुए हैं बस। नॉलेज सही कह रहे हो। और कभी लड़ाइया वगैरह करवाते? हाँ जी, उसाई लड़ाइया का शौक है मेरे को और ज्यादा तो दौड़ाने का शौक है। हमारे भाई हैं 2-3 भाई, मेरा एक चिंगा भाई है, टिंकू भाई हैं, जमालू भाई हैं, यही मेरी छत पे शौक करते हैं। दौड़ाते भी, दौड़ाए भी हैं इन्होंने कबूतर और दौड़ाने का ये मेरे को ज्यादा शौक है। तो खैर मैं तो, मेरे को तो ना दौड़ाने आते हैं, मैं तो, मेरे को तो शौक है सिर्फ देखने का। तो जो मेरे भाई हैं मेरे छत पर वही शौक करते हैं, दौड़ाते हैं। पता है अभी पीछे कब भी हुआ था उसमें मैं मुंसिब था, माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर उड़ा इनका विमल भाई का। तो काफ़ी उस्ताद, उसमें हम 6-7 उस्ताद मुंसिब थे, काफ़ी अच्छा कबूतर उड़ा। और आपको आइए इनके कबूतरों का शौक करवाते हैं। ये इनके कबूतर हैं, नर खुले हुए नर? हाँ जी, ये सारे नर, सारे नर हैं। ये हमारे विमल भाई के कबूतर हैं, ज़्यादातर समझ परे करते हैं, हैदराबादी कबूतर हैं और कुछ इन्होंने पटियाले भी डाल रखे हैं इसके अंदर। आओ बजाओ, लव विमल भाई देना लाना जरा। माशाल्लाह एक से एक चुनिंदा कबूतर है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है अच्छा साज इकट्ठा करने में। आओ आओ आओ, देखिए आओ 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 बेटे, आओ आओ, उठे बने हुए दोनों, काला पटा आगरे जरदबंद, दोनों जरदबंद सबज पटा, बहुत अच्छा। आओ 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 बेटे, आओ
आओ। नारा सारे माशाल्लाह एक से एक चुनिंदा कबूतर इसमें। विमल भाई ये सारा नया था जी आपका? नहीं उस्ताद ये कुछ नए हैं कुछ इसमें पुराने। 25 एक नर गर्दान है बाकी सारे इन्होंने नए इकट्ठे करे। काफी मेहनत लग रही होगी नए कबूतर इकट्ठे करने की? मेहनत तो लगती है और हम जो हमारे सैदी भाई हैं वो भी पीछे लगे रहते हैं इनके चक्कर में। खैर कोई बात नहीं, जो हमारी किस्मत में होगा हमारा होगा, बाकी तो उन्हें लगा देते मारने के। ये विमल भाई के नर हैं सारे, अभी मैंने बाहर आपको दिखाई थी वीडियो, मैं जाल में दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा साफ कर रखा है इन्होंने। हाँ जी विमल भाई के आप कबूतर देखना दोस्तों। और विमल भाई शौक कैसा होना चाहिए? शौक भाई साहब हमारी नज़र में तो शौक सिर्फ शौक के हिसाब से होना चाहिए, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई हार जीत में अगर कोई हारता है तो उसे अपनी हार कबूल करनी चाहिए।
हमारे यहाँ भी दौड़े हुई हैं, दो बार कप हुआ है हमारे यहाँ पे, और उस दौड़ में मैं जीता नहीं हूँ लेकिन मैंने हार कबूल की है। अब नहीं जीते तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं जीते तो कोई बात नहीं, हार का नाम कोई गाली नहीं है, तो हार कबूल करनी चाहिए और जीत तो फिर जीत ही है, लेकिन हार के नाम से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहता हूँ कि सब भाइयों को, कबूतरबाजों को शौक करना चाहिए, और अगर कोई शौक करा है तो उसको शौक को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। पर देखो, हार का नाम कोई गाली नहीं है, हमारे विमल भाई भी कह रहे हैं, और हार को ना दिल से मानना चाहिए। अगर आप हारे हो ना, तो मेरी एक बात और समझना दोस्तों, कि हारने के बाद अगर आप जीतने वाले का स्वागत डिब्बा कंठे से भी करने जाओगे ना, अगर आप कंठा भी डाल दोगे तो उसका हौसला बढ़ेगा। और जीतने वाले को भी चाहिए वो हारने वाले के कंठा डाल दे, तो शौक को इसी तरह दोस्तों बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों इसी तरह मैं हमारे विमल भाई जैसे भाइयों से आपकी मुलाकात कराता रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। सारी फीमेल खुल चुकी हैं। ये अभी गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो खाली एक आध हवा उड़ाते हैं और दाना पूरा कराते हैं और बंद कर देते हैं। सारी मादी ने काली माली ने उतर चुकी है। हाँ ये रही। दोनों है। ये सारी मादी ने दोस्तों आगे आगे विमल भाई इधर जाना है। लाल बंदे माशाल्लाह बहुत बढ़िया हैं। लाल बंदे माशाल्लाह बहुत बढ़िया। ये 11 लेकर आए थे किसी से? 11 रहने नहीं, 10 रहने, एक नर है इसमें। आओ 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 आओ। ये दूसरी बटन कहाँ से लाया भाई? ये
ये उस्ताद कहीं से गिफ्ट में गिफ्ट में आई है ये कंपनी दिल्ली से। हाँ आओ आओ वहीं रखता सुन आओ 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 भाई यही रखो एक चुनिंदा कबूतर माशाल्लाह मादी ने है दादी फीमेल है 110 ये 110 है और नर कितने थे भाई 70 नर यानी 75 उसमें यार एक दो पटेटो डाल लो उसमें तो पटेटो हमारे मादी ने वो तो करो एक दो मादी ढूंढ लो विमल भाई एक ही पटाती थी वो भी दे दी बच्चा सारी फीमेल है और लाल में दिखा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों माशाल्लाह इससे चुनिंदा मुझे कबूतरी मुझे कबूतरी बॉर्डन बहुत पसंद है माशाल्लाह लाजवाब विमल भाई कहीं हैदराबादी हट रहे हैं क्या हैदराबादी हाँ जी उसाई हट कहाँ पे अभी मैं मूवी देखा है कहाँ के ही बता दो मादी ने आओ
और आपकी और मेरी बात गुप्त रही, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, ना कि ढिंडोरा बेचना। दोस्तों बड़ी बड़ी समस्या होती है लोगों के, बाल बच्चे नहीं होते, सीधे पतन, कम शुक्राणु, बहुत सी समस्या है जिससे इंसान दो चार होता है और अपने मन में दबा के रखता है। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपकी और मेरी बात गुप्त रही, ठीक है दोस्तों। और उसमें सेक्स समस्या के लिए मेरे पे तीन तरह के कोर्स हैं, आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों। ये पाउडर है, ये पाउडर है, ठीक है दोस्तों। ये दो तरह के ऑयल हैं कमजोरी के लिए, और ये माजून है दोस्तों, मेरा घर का तैयार मेरा माजून, ठीक है दोस्तों। ये इसमें तीन कोर्स हैं दोस्तों, इसमें तीन कोर्स हैं, एक है 15 दिन का, और एक है 1 महीने का, और एक है 1.5 महीने का। तो वीडियो के लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आएगा दोस्तों, तो आप मेरे से मैसेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वाइस भेज सकते हैं, लेकिन दोस्तों कॉल ना कीजिए, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी और मेरी बात गुप्त रहेगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर आएगा, नो कॉलिंग ओनली वाइस, ठीक है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं MHD सलीम उस्ताद। दोस्तों ये बाने की डाई बनवाई है, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। ये दो कलरों में मिल सकते हैं आपको, रेड और पैरेट ग्रीन। दोस्तों इन बानों में आप पटियालों को भी पहना सकते हैं। ये देखिए, ये छोटा सुराख है और ये बड़ा, तो आप बड़े की तरफ से पहनाएंगे, देसी और पटियालों के दोनों के आ सकता है। और ये एंटिक है दोस्तों, पूरी इंडिया में ये डिज़ाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये कलर भी। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें और भी कलर आने वाले हैं, तो अभी मेरे पे दो कलर हैं, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मेरे से संपर्क करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।